Kingfisher's first long-haul flight will be Bangalore to San Francisco non-stop and return. What is one thing that you would like? Where is our actual name in Hindustan? If I have to fight for something, why should I waste my time bothering about aircraft registration numbers? If I have to spend my time, I might as well spend my time on more substantial issues. That India should be Hindustan. My question is to Dr. Mallya. Just a year 2005, we have to tackle in the hands of our youngsters. My fellow Kanarikas, my country promises. Are you good enough? Your shoulders are so strong. You can carry that. Yes, most definitely. I think as a celebrity, when you sign on for any endorsement, you need to feel for the product and you need to feel for what you're doing. Like Mr. Mallya said, I feel for the airline and I do feel a connect. I do believe that the airline is trendy, classy, young, and I have all those qualities and I'm definitely here to take care of the airline and do my best for the airline. You will perceive that I'm placing my bets on the success of her film career, but I'm not, because I think she's a beautiful girl in her own right, and I think she is an appropriate face for Kingfisher Airlines. The fit of the brand with the personality is very good and seamless. She loves Kingfisher, she knows the UB group, I know her parents, she's grown up in UB's home city, Bangalore. And I think that she has an extremely bright future in the film industry. I think, you know, I must be honest, I'm sort of privileged that when Shah Rukh came with me on my plane from Bombay to Johannesburg, he showed me a few of the rushes of Om Shanti Om, and I saw Deepika dancing and I was just blown away. So I think I made completely the right choice. Deepika, you have chosen your brand ambassador. आपको हमेशा देखा गया है कि फिल्म इंडस्ट्री के सारे लोग अपने प्रोडक्ट एंडोर्स कराते हैं, तो कितना फ़ायदा होता है इन सब चीज़ों से आपको? देखिए, वो सारे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो है, या तो फिल्म स्टार उपयोग करते हैं, या तो क्रिकेटर्स उपयोग करते हैं, या तो फुटबॉलर्स उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि सेलिब्रिटी स्टेटस की ज़रूरत है। तो लोग मेरे को ये सवाल पूछ रहा है आज कि दीपिका की फिल्म करियर अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, तो हमारा तो उम्मीद यह है, हमारा कन्विक्शन यह है कि दीपिका सुपरस्टार बन जाएगी, और बनी या ना बनी वो सवाल नहीं है। किंगफिशर के लिए दीपिका बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और इसलिए दीपिका को मैंने चुना। अच्छा, आपने कुछ दिन पहले प्रोडक्शन हाउस अपनी फिल्म लॉन्च की थी रक्त, जो कि फ्लॉप हो गई। हम ये जानना चाहेंगे, फिर भी आगे आप आने वाले सालों में प्रोडक्शन हाउस के लिए या फिर फिल्मों के लिए प्लानिंग कुछ कर रहे हैं? देखिए, कंपनी के लिए मैं ना तो फिल्म प्रोड्यूसर हूँ ना फिल्म प्रोड्यूसर बनूँगा। मेरा दोस्त आया और पूछा कि आप थोड़ा फाइनेंशियल मदद करेंगे रक्त के लिए और फॉरेस्ट के लिए, तो मैंने पैसा दे दिया। आपके मन में और आपके ख्याल से मैं प्रोड्यूसर बन गया, लेकिन मेरे मन में प्रोड्यूसर कभी नहीं था। और चाहे फ्लॉप हो चाहे सक्सेस हो, मेरा पैसा तो घर पे आ गया वापस। तो मैं बड़ा खुश हूँ और हमारे हाथ में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, यूबी की प्रोजेक्ट्स है, किंगफिशर एयरलाइंस, डेकन, फॉर्मूला वन। सो मैं फिल्म इंडस्ट्री में प्रोड्यूसर की रोल में कोई इंटरेस्ट वैसे है नहीं मेरा। मैं तो बड़ा स्पोर्ट्स सपोर्टर हूँ, और मोहन बगान और ईस्ट बंगाल दोनों मेरा टीम है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि फुटबॉल जैसे क्रिकेट है इतना बड़ा बन जाए, लेकिन इसमें फुटबॉल की मैनेजमेंट में बड़ा चेंज होना बड़ा ज़रूरी है। डे नाइट मैच होना चाहिए, टेलीविज़न कवरेज होनी चाहिए, टेलीविज़न फ्रेंडली स्केड्यूल होनी चाहिए, तभी ना बढ़ेगा फुटबॉल। और बड़ा तो फ़ायदा मेरा होगा, क्योंकि ईस्ट बंगाल और मोहन बगान दोनों इस देश की सबसे महान टीम
हमारे हाथ में है। अगर डर्बी रेस की बात करें तो आपने एक हिंदुस्तान को नया आयाम दिया डर्बी रेस के लिए, तो पिछले साल भी हमने देखा था काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आए थे रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को हिंदुस्तान की तरफ से, इंडियन की तरफ से, तो इस साल की कोई प्लानिंग है डर्बी रेस के लिए? आप देखते जाइए, डर्बी रेस तो की ग्लैमर और भी बढ़ते जाएगी, प्राइज मनी बढ़ते जाएगी और कंपेरेटिवनेस भी बढ़ते जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट, बियॉन्सी का भी जो कंसर्ट हुआ था वो भी अपने अटेंड किया, एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बट रॉयल चैलेंज की ब्रांड पर्सनैलिटी इज गेम फॉर लाइफ, इट मीन्स सक्सेस, इट मीन्स एन्जॉयमेंट ऑफ लाइफ, एंड रॉयल चैलेंज हैज़ नॉट ओनली ब्रॉट बियॉन्से बट यू बी ग्रुप एंड यूनाइटेड स्पिरिट्स हैज़ ब्रॉट एल्टन जॉन, हैज़ ब्रॉट रोलिंग स्टोन्स, has brought Iglesias, has brought Brian Adams, has brought Aerosmith, has brought Iron Maiden, and we brought so many artists here, which all reinforces the lifestyle, personality of our brands. And Royal Challenge is game for life. So Beyonce. सबसे पहले जानना चाहेंगे, आज आपको brand ambassador बनाया गया है Kingfisher के लिए, तो आपने Kingfisher को ही क्यों क्यों चुना as a brand ambassador? क्योंकि in terms of airlines, they are number one. Also I think they represent the youth, they represent classiness, they represent being trendy. So all these things put together made my decision a lot easier. Kingfisher Airlines धूम्रपान निषेध की नीति अपनाता है और इस एयरक्राफ्ट में धूम्रपान करना सख्त मना है। सामने वाली कुर्सी के नीचे रखें, कुर्सी के पीछे बांध लें, ट्रे टेबल बंद कर लें, कुर्सी सीधे रखें और विंडो शेड खुला रखें। विंडोज आर द रियर ऑफ द एयरक्राफ्ट फॉर ओवर